हाँ तो मेरे प्रिय सजनों, त्रिमूर्ति कैस्ट के माध्यम से मैं रामायण की आखिरी लड़ाई सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिसे कि रावण वध कहते हैं। बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो क्या हुआ है। यहां दशानन दूत मुख और सुन नारायण तक नास, दिन परवान जी सेन लखी सो चढ़ा समर बिनी त्रास। जब रावण को पता चलता है कि नारद तक खत्म हो जाता है, तो पड़वा के दिन जब सुबह होता है तो क्या किया उसने। रावण ने होते सुबह और दिया हुक्म सुनाई, करो तैयारी युद्ध की सुलो हथियार उठाए। और क्या कहने लगे कि हे वीरो, अब तो हमारी लंका में कोई नहीं रहा, अब हमें स्वयं युद्ध के लिए जाना होगा। तो सुनो, रण के बाजे को बजवा कर चतुरंगी सेना तैयार करो। रावण कहने लगे हैं तो इधर वीरों क्या करते हैं बंधुओं, जब सुना है उन्होंने, रण बिगुल बजाओ लश्कर में और घनघोर नगाड़े बजने लगे। रण बिगुल बजाओ लश्कर में घनघोर नगाड़े बजने लगे। तैयार वीर हो गए सभी हाथी और घोड़े सजने लगे। चतुरंगी सेना रावण की सज कर लड़ने को जाने लगी। और क्या भैया, और टोली पर टोली सज करके बंधुओं जब पहुंच जाती है तो इधर देखिए क्या हुआ है। लंका का निश्चर कटक और गया समर में आई, खबर राम को हो गई सो बानर लिए बुलाए। जब रावण पहुंच जाता है रणभूमि में सेना को लेकर के, जब इधर पता राम को चलता है तो उसी समय बानरों को बुलाया और कहा कि भैया, कहा राम ने इस तरह और कपियों को समझाए, चतुरंगी सेना लिए सुरावण रहो डर पाए। कि भैया, अब तो युद्ध करने के लिए रावण रणभूमि में आ चुका है और हमें ललकारा है। इधर बंधुओं इतने वचन जो भगवान कहे हैं, इधर रावण रथ पर सवार होकर के आया है तो उसी समय विभीषण जी क्या कहने लगे हैं, जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने तुलसीकृत रामायण में कहा है। और
पास में आकर के कहे प्रभु, अरे रावण रथी विरथी रघुवीरा, रावण कहा मेरा भाई दशमुख दशकंदर और इस समय रथ पे सवार है। हे प्रभु आपके चरण कोमल हैं और आप बिगर रथ के, मेरा भाई कितना बलवान है और आप बिगर रथ के कैसे युद्ध करेंगे? और क्या बोले बंधु, नाथन तन पतु नहीं अब जाना, नाथन तन बनो नहीं अब जाना, कहीं विधि जितई वीर बलवाना, कहने लगे हैं कि हे प्रभु आप मेरे भाई को बिगर रथ के और कैसे जीत पाओगे? जो ही इतने वचन सुने हैं भगवान हंस करके कहने लगे हैं कि भैया विभीषण, अरे तुम्हारे भाई पे रथ है और मैं विरत हूं, तो सुनो क्या बोले हैं। अरे जान कली रथ को देखी विभीषण, अरे जान कली रथ को देखी विभीषण, क्यों मन मेरे घबराते हो, जान कली रथ को देखी विभीषण, देखी विभीषण, क्यों मन में घबराते हो, है नकली रथ को देखी विभीषण, और क्या बोले हैं, अरे इस काया का रथ जो पाया, इस भजन सारथी चढ़ाया, अरे विज्ञान धन से क्यों होते हो, अरे विज्ञान धन से क्यों होते हो, क्यों मन में घबराते हो, जान कली रथ को देख विभीषण, क्यों दिल में घबराते हो, सुंदर कोई रथ नहीं है विभीषण जी, मेरे पास रथ नहीं है तो क्या है, लेकिन मैं बिगर रथ के नहीं हूं। और क्या बोले हैं, अरे कवच यवे गति प्रगुरु पूजा, कवच यवे गति प्रगुरु पूजा, और यही सम विजय उपाय ने दूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा, अरे ज्ञान का बाण गिराते हो जा, नकली रथ को देख विभीषण, नकली रथ को देख विभीषण, क्यों मन मेरे घबराते हो, जा नकली रथ को देख विभीषण, क्यों दिल में घबराते हो, हाथ मेरे प्रिय सज्जनों
इधर में जब इस प्रकार से विभीषण को समझा दिया और भगवान ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दे दी है युद्ध के लिए, तो आज बानर सभी मन हर्षाने लगे हैं और लक्ष्मण जी के साथ कैसे कैसे बीत जा रहे और आगे क्या हुआ है देखिए। अरे सुने बानर मन हर्षाए हैं, सुने बानर इधर लक्ष्मण जी छोड़ते हैं और उधर से रावण के बाण आते हैं, लेकिन जो सामने मोर्चे पर पहुंचे हैं तो क्या हुआ कि वो तपसी पहले तो मेरे बेटे के हाथों से तू मर गया था और शुक्र है जो कि संजीवनी ला करके तुझे बचा लिया। उस समय क्या कहने लगे हैं कि सुनो दसकंदर, रे खल पापी नीच अब अरे तोय न आवे लाज, रामचंद्र से बैर कर सो जिंदा बचे न आज। आज तू हमारे हाथों से जिंदा नहीं बच पाएगा। उस समय जो ललकारा है और कहा है कि वो तपसी छोटा मुंह बड़ी बातें करता है, तुझे ऐसे में सब दूंगा, तो इस प्रकार से जो वचन सुने हैं तो लक्ष्मण जी से और क्या जवाब देने लगे हैं रावण। लक्ष्मण के सुन कर वचन और लीने बाण उठाए, अरे सुत घाती तपसी अरे सो क्यों रहो जीवो चलाए। तूने मेरे पुत्र को मार दिया
और मेरे सन्मुख खड़ा, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और क्या हुआ भैया? अरे रावण ने बाण चलायो, रावण ने बाण चलायो, तने चोट भयो। लक्ष्मण जी ने इधर से बाण छोड़ा है रावण के जो समाया है शरीर में, तो इधर राक्षस भी घबरा जाते, दहलाने लगे हैं। घोर युद्ध देखा बंधुओं, आगे क्या हुआ है सुनिए। अरे शेष नाग अवतारी ने रावण धरने गिरायो, धरने गिरायो जी रावण, धरने
उठा करके, और रावण ने छोड़ी है तो क्या हुआ है? सोच करके रावण ने शक्ति लई उठाई, वीर घातनी शक्ति को लक्ष्मण पे दई चलाए। आज बंधुओं जो ही शक्ति छोड़ी है, हुआ क्या है? अरे लागी शक्ति आई लखन घबराए हैं, और गिरे मूर्छा खाई धरन फेराए हैं। इधर हनुमान जी ने आकर के और जो ही लात मारी है रावण की, तो रावण उसने धरनी पे गिर के बेहोश हो जाता है, और हनुमान जी गोदी में उठा लेते लक्ष्मण को। क्या किया उन्होंने? अरे लक्ष्मण को गोदी उठाई, वो उठाई हनुमान राम ढिंग आए।
धन मचायो। अरे देख लखन प्रभु रो धन मचायो, मेरे संगत ने अति दुख पायो। कहने लगे भगवान के हे लक्ष्मण भैया, तूने मेरे साथ आकर के कष्ट ही कष्ट तुझे मिले हैं। अरे तेने मेरे संग अति दुख पायो, अरे मैं कहा कर सकू उपाई। उपाई हनुमान राम हैं आए हैं, अरे लक्ष्मण को गोद उठाई। उठाई हनुमान राम हैं आए हैं। अरे तीन लोक के भार उठैया, अरे तीन लोक के भार उठैया, काय को सोयो सुमित्रा छैया। अरे काय को सोयो सुमित्रा छैया, अरे ले उतर कसवान उठाई। उठाई हनुमान राम हैं आए हैं। कैसेट का आगामी धमाका आपके जाने पहचाने गायक पंडित राम अवतार शर्मा की नवीनतम भेंट रसिया राधा कृष्ण की। मेरे कृष्ण मुरारी आजा, मेरे कृष्ण मुरारी आजा, तोए भक्त पुकारे आए हाय हाय, तोए भक्त पुकारे घड़ी घड़ी, मेरे कृष्ण कन्हैया आजा, हाय मुरली वारे आजा, तोए भक्त पुकारे आए हाय, तोए भक्त पुकारे घड़ी घड़ी, रे तोए भक्त पुकारे घड़ी घड़ी। गगरिया न फोर, गगरिया न फोर, गगरिया न फोर, गगरिया न फोर, तेरे पड़ती में मोहन पैया हो। गगरिया न फोर पीछो द छोर, गगरिया न फोर पीछो द छोर, तेरे पड़ती में मोहन पैया हो। और कहने लगे कि भैया तुम तीन लोग के भार उठाने वाले हो और आज ऐसे सो गए हो मेरा साथ छोड़ करके, और अब तो ऐसा करो भैया क्यों ना अपने आप खोल करके तुम तरकस पार उठा लीजिए। उसी समय भैया हुआ क्या है देखिए। अरे सुनत बचन लक्ष्मण उठ धाए, अरे सुनत बचन लक्ष्मण उठ धाए, हाथ जोड़े चरणन सिरनाए, अरे हाथ जोड़े चरणन सिरनाए, अरे फिर लीने कंठ लगाई। वो लगाई हनुमान राम धैं
थोड़ी उन्होंने ये पुकार सुनी है। उसी समय लक्ष्मण जी खड़े होकर के और अपने भाई के चरणों में लिपट जाते हैं। इधर बानर जय जयकार करने लगे, बोलो लक्ष्मण गति की। और बंधुओं क्या किया उसी समय कि शक्ति गई आकाश को, ब्रह्मा ढिंग गई आई, इत लक्ष्मण ने तुरंत ही सोलीनी सेन सजाए। तुरंत ही लक्ष्मण जी सेना को सजा लेते हैं दोबारा से युद्ध करने के लिए। और इधर शक्ति आकाश में ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाती है। यहीं से शक्ति का वैर हुआ है सज्जनों, और ये शक्ति यही बदला लेती है अगले जन्म में जाकर। और इधर आगे क्या हुआ, अरे लखनन सेन सजाई रे रावण को दबायो, ए लखनन करी चढ़ाई रे रावण को दबायो, क्या किया सज्जन उस समय, बाण मार मूर्छित कर डालो, अरे बाण मार मूर्छित कर डालो, अरे लंकापति को तेज निकालो। इधर तो शेष नाग अवतारी खिसिया करके बाण जो मारा है, रथ टूट करके चूर्ण हो जाता है, पृथ्वी पे बेहोश होकर गिर पड़ा रावण। अरे लंकापति को तेज निकालो, आया होश आयो रावण। इधर बानर दल सब हंस रहा है, इधर रावण क्या करता है, अरे यज्ञ करण रहो जाई रे रावण को दबायो, इस प्रकार से बंधु जो मूर्छित हो जाता है तो युद्ध खत्म हो जाता है। रावण दल इधर में घबरा जाता है, बानर सब खुशी हो रहे। जब होश हुआ, दिन छिपने को था, रावण लौट करके जो चला है, बोले अब तो हमें यज्ञ करनी होगी, उसके बाद में हम फतेह पा सकते हैं। तो क्या हुआ भैया उसी समय, इधर रावण यज्ञ करने के लिए चला जाता है, जान विभीषण ने लिया लंकापति का हाल, कहा राम से जाए कर सुहाल सभी तत्काल। उसी समय विभीषण जी जब भगवान के पास आए हैं और कहने लगे हैं कि स्वामी लंका में जाकर के रावण, लंका में जाकर के रावण हे स्वामी यज्ञ रचाई रहा, लंका में रावण जाकर के हे स्वामी यज्ञ रचाई रहा, मारे से नहीं मरेगा वह वो बन अपना अजमाई रहा, और कहने लगे हे स्वामी मेरा भाई रावण यज्ञ कर रहा है लंका में, यदि यज्ञ पूर्ण हो गई फिर कभी तुम्हारे मारे से नहीं मरेगा वो। और क्या हुआ, कुछ भेजो बानर दल को तुम विध्वंस यज्ञ को करवाओ, जैसे भी हो वैसे भगवान लड़ने के लिए उसे उकसाओ, प्रकार से कह। उसी समय भगवान क्या करते हैं, सुने विभीषण के वचन
रामचंद्र चितलाए आज्ञा दीनी है तुरंत सो कपियों को समझाए। भगवान कहने लगे हनुमान जी जामन और अंगद मेरे पास आइए, इस समय रावण यज्ञ कर रहा है और तुम शीघ्र जाकर के उसकी यज्ञ को विध्वंस कर दो, उसे लड़ने के लिए ललकार दो। तो क्या किया भैया? श्री राम की आज्ञा सुन करके, श्री राम की आज्ञा सुन करके बंदर भालू हरस आए हैं। हनुमान सुग्रीव जामति अंगद दत्त बल आए हैं। उन्होंने उत्पाद जो किया है और यज्ञ को विध्वंस कर दिया। मंडप जितना था सबको तोड़ फोड़ दिया और रावण को ललकारा। तो बंधु जब यज्ञ विध्वंस हो जाती है कितना क्रोध हुआ और क्या हुआ आगे? अरे ये गति देखिए जब रावण ने गुस्सा गई बदन में उठाई, अरे कल हथेली पर धर करके एकदम उठो भरे राजो खाई। अरे करत गरज नादा बर जारे ओ पंचो सुनियो ध्यान लगाई, अरे कहां है पे दोनों देखो तपसी उनका डालू में खोज मिटाई। बांदरों को तो चार चार हाथों में इधर झपट के मुंह में लपेटा ले जाता है, कुछ को लातों से मेर देता है। हाय हाय भैया ये गति देख रावण की भीड़ में भवरों पर गए। अरे भवरों पर गए भीरों में भरों पर गए भैया ये गति देखी रावण की बानर में भवरों पर गए। आज बंधुओं इस प्रकार से घोर युद्ध किया और इधर बानर घबराने लगे हैं, चिल्लाने लगे हैं हाय हाय राम ने सहजा सेना को ललकार दिया है और जो आगे बढ़ी है सेना कुछ तो आगे को बढ़ते हैं और कुछ सोचते हैं भैया क्या करें। देखिए आज कैसा युद्ध हो रहा है। अरे घन घोर वीर, घन घोर वीर गरजते थे भिड़ते और लड़ते चिल्लाते थे। घन घोर वीर गरजते थे लड़ते भिड़ते चिल्लाते थे।
कट कट के वीर पेड़ की तरह गोपत कट कट के वीर पेड़ों की तरह पृथ्वी पर झट से गिर जाते थे। आज ये गति हो गई है बंधुओं, जैसे पेड़ गिरता है ना इस प्रकार से सिर कट कट के और रुंड ऐसे गिर पड़ते हैं जैसे कोई पेड़ गिरती है। और आगे क्या हुआ, कुछ देर में रावण दल का वानरों ने किया सफाया है भैया, कुछ देर में रावण दल का भी वानरों ने किया सफाया है। ये हालत देखकर रावण को एकदम से रोष में छाया है। इधर तो रावण बाण छोड़ता है और इधर में भगवान छोड़ते हैं, दोनों आपस में टकरा के नष्ट हो जाते हैं। और आगे क्या हुआ है देखिए, अरे रावण की सेना मारे धरन पे डारी है, रावण की सेना मारे धरन पे डारी है, रावण की सेना मारे धरन पे डारी है। आज बंधुओं इधर में रावण की सेना खत्म हो जाती है, अकेला रावण रह जाता है, रथ पे सवार है और युद्ध कर रहा है, घमासान युद्ध देखा रावण का। इधर देवता लोग दीवानों में चढ़ चढ़ करके ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, राम लक्ष्मण और रावण का युद्ध देख रहे हैं। क्या किया देवताओं ने, तब सौरभपति मतारे बुलायो, अरे तब सौरभपति रथ सुंदर एक प्रभु को भिजवायो, रथ सुंदर एक प्रभु को भिजायो, एक सुंदर रथ भगवान के लिए, उसका सारथी रथ हाँकने वाला माताल था, उसको रथ को देकर के भगवान के पास भिजवा दिया। और क्या हुआ भैया, रथ सुंदर प्रभु को भिजवाया, प्रभु तीन लोक की हार मही पर डारी है, प्रभु तीन लोक की हार मही पर डारी है, रावण की सेना मारे धरन पे डारी है। रथ आ गया, भगवान मुस्कराने लगे और क्या हुआ, अरे बिहसी चढ़े रथ पे रघुराई, बिहसी चढ़े रथ पे रघुराई, अरे भालू बंदर खुशी मनाई, चाहे मन में सोच विचार धरन पे डारी है, रावण की सेना मारे धरन पे डारी है। भगवान रथ पे से युद्ध कर रहे और बाण छोड़ते हैं, 100-30-20 भुजाओं को काट देते हैं, लेकिन दोबारा से फिर हो जाती। भगवान सोचने लगे हाय ऐसे युद्ध कैसे नष्ट हो, देवता भी कहने लगे भगवान ये क्या कर रहे हैं। और क्या हुआ भैया, अरे दशकंदर मन में घबरायो, दशकंदर मन में घबरायो, राम लखन बहु रूप दिखायो, राम लखन बहु रूप दिखायो, जन माया दई विस्तार धरन पे डारी है।
इधर महाघोर युद्ध रावण से हो रहा है, देवता लोग जयकारा लगा रहे हैं। श्री रामचंद्र भगवान की, और कैसा युद्ध हुआ, क्या हुआ? अरे तुम्हें रघुराई, अरे तुम्हें रघुराई, बित में रावण बाण चलावे, तुम्हें रघुराई, बित में रावण बाण चलावे। भगवान दसों शीश बीसों भुजाओं को काट देते हैं, लेकिन दोबारा से फिर नए हो जाते हैं। भगवान भी आती हो गए, सोचने लगे हैं मन में, लेकिन इधर भालू बंदर घबरा रहे हैं। तो बंधु उसी समय भीमसर जी क्या करते हैं, अरे भालू बंदर देवता, अरे फिर मन मेरे घबरा में, और आई भीषण पास मोती रावण की रे बतला में, अरे आई भीषण पास मोती रावण की रे बतला में। आज भीषण ने समझ लिया कि मुझे बताना ही होगा जब ये खत्म होगा। क्या कहने लगे ये स्वामी, अरे बाण एक, अरे बाण एक तीस उठा लेना, अरे बाण एक तीस उठा लेना, और धनुष को रौंदा तान प्रभु एक साथ छोड़ देना, अरे धनुष को रौंदा तान प्रभु एक साथ छोड़ देना।
बाल और थाए की अरे बचन सुन बाल और थाए की अमृत सो की भी सब भोज काट दस सी संगिराए की ए अमृत सो की भी सब भोज काट दस सी संगिराए की अरे गिरो दस कंदर भेराई आए है भैया अरे लक्ष्मण जी को पास बुला कर कह रे रघुराई हाय लक्ष्मण जी को पास बुला कर कह रे रघुराई आज बंधुओं 31 बार उठा करके भगवान ने एक अग्नि बार और जो 3100 को एकदम छोड़ा है 200 भोज 10-30 और जो नाभि में अमृत कुंड था वो सोख लिया इधर रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा है बोले रामचंद्र भगवान की और क्या हुआ भैया अरे पूछ लो राजनीति भाई लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि हे लखन भैया बड़ा बुद्धिमान रावण है ऐसा राजा नहीं है इसे जाकर के पूछिए राजनीति अरे पूछ लो राजनीति भाई अरे उत्तम राजा रावण है वो देवर बतलाई अरे उत्तम राजा रावण है वो देवर बतलाई क्या हुआ अरे बचन सुन लक्ष्मण उठ धाये अरे बचन सुन लक्ष्मण उठ धाये हाय पहुंचे रावण पास फिर चरणन में सिर लाए अरे पहुंचे रावण पास फिर चरणन में सिर लाए आज बंधु भगवान से जो बात सुनी है उसी समय लक्ष्मण जी फौरन रावण के पास पहुंचे हैं वैसे तो तुलसीकृत रामायण में बहुत बताया है लेकिन बंधुओं में सूक्ष्म रूप में आपके लिए समझाए देता हूं। हाँ तो बंधुओं जाकर के लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया के लंकेश प्रणाम उस समय रावण ये सुनकर के और कोहने के पर बैठा हो जाते हैं और कहने लगे कौन लक्ष्मण कि हाँ क्यों आए हो महाराज आपसे राजनीति पूछने के लिए आया हूं तो आओ मेरे पास आइए लक्ष्मण जी ने आगे बढ़कर के कहा तो रावण कहने लगे हैं कि ये अपना धनुष बाण मुझे दे दीजिए तो समय लक्ष्मण जी ने तुरंत ही रावण के हाथ में दे दिया इधर धनुष बाण हाथ में लेते ही रावण ने लक्ष्मण के ऊपर सीधा कर लिया तान लिया है लक्ष्मण जी कहने लगे ये क्या करते हो लंकेश के सुनो लक्ष्मण जी ये पहली राजनीति है राजा के लिए कि दुश्मन चाहे कितना भी मीठा बोले चाहे कितना ही प्रेम से बोले उसे कभी भी अपना हथियार हाथ का वो नहीं देना चाहिए और सुनो मैं आपके लिए राजनीति बताता हूं तो क्या बताने लगे भैया राज की नीति बताऊं राजा को पहलो ये है काम राज की नीति बताऊं राजा को पहलो ये है काम धर्म को मैंने ठुकराया धर्म को मैंने ठुकराया सिया को छल करके लाया तो आज मुझे यह दिन देखने के लिए आए और क्या बोले हैं सुनो
अरे दया मोए नेक नहीं आई, दया मोए नेक नहीं आई, कुटमो सब तीनों बरवाई। अपने भाई को मैंने ठुकरा दिया तो आज मुझे ये दिन देखने के लिए आए। अब तो तुम ऐसा करो, अपने भाई राम को भी बुला लीजिए। फौरनी बंधु राम आ जाते हैं पास में और लंकेश को प्रणाम किया है, उस समय विजय का आशीर्वाद दिया और कहने लगे हैं कि हे प्रभु, अब तो ऐसा कीजिए मुझे ज्यादा मन तड़पाइए। भगवान बोले क्या कि सुनो, अरे बिचारो तुम दोनों भाई।